कि भूखे भजन न होई गोपाला। माननीय अमित शाह जी 18 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात थी, अगर उसका विधिवत तिथि भी आप घोषणा कर देते तो नौजवानों को सुकून मिलता। न्यायालय के आदेश के बाद यह तय हो गया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको देखते हुए अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने यह ऐलान किया है कि जो राम मंदिर है वो 2024 में 1 जनवरी को बनकर तैयार हो जाएगा। न्यायालय का आदेश आया है, बता दें आपको, जिसको लेकर बिहार की राजनीति भी अब गर्मा चुकी है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उन्होंने यह साफ कहा है कि हम स्वागत करते हैं अमित शाह की बातों का, न्यायालय के आदेश का। उनका साफ यह भी कहना है कि करीब 9 साल हो गए केंद्र में बीजेपी की सरकार बने हुए। उन्होंने यह साफ कहा है यह भी कि जिस तरीके से बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी है, जब सरकार बनी थी तो केंद्र सरकार का यह साफ कहना था कि प्रति वर्ष जो है 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को देंगे, लेकिन देखा जाए तो करीब 9 वर्ष हो गया है और 9 वर्षों में देखा जाए तो करीब 18 करोड़ रोजगार होता है। 18 करोड़ रोजगार आखिरकार कहां गया? केंद्र सरकार ने आखिरकार 18 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया? सवाल खड़ा कर रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो सुने आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय न्यायालय के फैसले के आलोक में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर 1 जनवरी 2024 को आम जनों को समर्पित होगा, ऐसा माननीय अमित शाह जी ने घोषणा किया। तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति सबका सम्मान है, हमारी उम्मीद यह भी है कि भूखे भजन न होई गोपाला। माननीय अमित शाह जी 2014 से लेकर के 2023 तक 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात थी, अगर उसका विधिवत तिथि भी आप घोषणा कर देते तो नौजवानों को सुकून मिलता, चैन मिलता और लोकतंत्र की आत्मा और मजबूत होती। तो आपने सुन लिया, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, जिस तरीके से राम मंदिर बनने की बातें हो रही है उसको लेकर उन्होंने यह साफ कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं। अमित शाह जी ने जिस तरीके से बातें कही है उनका हम स्वागत करते हैं, उनकी बातों का स्वागत करते हैं, न्यायालय के आदेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन देखा जाए तो करीब 9 वर्ष से जो है बीजेपी केंद्र में है और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी थी उसने दावा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 9 वर्ष हो गए, 18 करोड़ रोजगार आखिर कहाँ गया? देखिए, युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, तो वहीं बिहार की तमाम पार्टियां जो है लगातार बीजेपी पे हमलावर है, वहीं सवाल खड़ा कर रही है। तो नीरज कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, एक लंबे वर्षे बाद आए कैमरा के सामने, तो वहीं अमित शाह पर जमकर उन्होंने हमला बोला है, उन्होंने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार 18 करोड़ रोजगार गया तो गया कहाँ? 2023 आ गया है और करीब 9 वर्ष आपके केंद्र में सरकार बने हो गए। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, आपने सुना है, जदयू के मुख्य प्रवक्ता थे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया निकल के आती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।